कुल्लू जिला में भारी बारिश का दौर जारी है, तो वहीं कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में भजोगी नाले में भारी पानी आने से मनाली बाजार भी जलमग्न हो गया। मनाली बाजार की और नालियों में भी भारी मलबा फंस गया और नालियां बंद हो गई, जिस कारण मनाली के मॉल रोड पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। मनाली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी। मनाली मॉल रोड की ओर से आने वाली सड़क भी पानी के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और फोरलेन सड़क पर भी मलबा आया है, जिसे अब हटाने का काम किया जा रहा है। शाम के समय अचानक पर्यटन नगरी मनाली में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। नालियों से बहता हुआ पानी मनाली रोड पर देखते ही देखते इस कदर भर गया कि स्थानीय दुकानों में पानी घुस गया। पानी का बहाव भी काफ़ी अधिक था, जिसके चलते मॉल रोड सहित पानी पटवार खाने में घुस गया और वहां काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, मनाली तहसीलदार के सरकारी आवास के अंदर भी पानी जा घुसा। इसके अलावा भारी बारिश के चलते लाहौल स्पीति के बिलिंग नाला में बाढ़ आ गई, जिसके चलते मनाली केलांग सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित हो गया। SP लाहौल स्पीति मानव वर्मा बताते हैं कि लाहौल घाटी में भी भारी बारिश का दौर जारी है, कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। ऐसे में एहतियात बरतें, सावधानी पूर्वक चलें।